कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि घर बैठे ढेरों से पैसे कमाएं, तो आपको उस वेबसाइट के बारे में बता दूँ। वो वेबसाइट है IQ ऑप्शन साइट, जिसके ज़रिए आप घर बैठे ढेरों पैसे कमा सकते हैं। उसके जो है चार आपने रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएँ और उस पर क्लिक करें और रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद उसमें 2 से 3 बार आप डेमो अकाउंट में जाके उधर से सीख सकते हैं कि आपको ये वेबसाइट कैसे रन करनी है। और आपको जो है सबसे पहले आपकी $10 कम से कम डिपॉजिट करने से आपकी इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने बहुत अपना जो है $10 उसमें डिपॉजिट करके और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह $200 से $300 डेली के कमा रहा हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हुए इनकम स्टार्ट करें, तो जल्द से डिस्क्रिप्शन में जाएं और रजिस्टर करें। तो आज हम जो आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आए हैं वो है होंडा सिटी 1.3 प्रोस्मेटिक, जो कि 2019 मॉडल है। अभी अभी हमारे शोरूम पे आई थी और मैं भी आज शोरूम पे भी पहुँचा हूँ, तो पता चला है कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म खड़ी है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसका रिव्यू लेकर आएँ। तो जल्दी से आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर लें, ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी, जिस गाड़ी का भी रिव्यू करना होगा, वो आपको पहले पता चल जाएगा। तो जल्दी से फॉलो कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, तो जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये है जी आपके सामने होंडा सिटी IVTEC प्रोस्मेटिक 2019। तो सबसे पहले अगर इसकी फ्रंट शेप पर आ जाएँ, सबसे पहले जी ये फ्रंट पे होंडा को लोगो और क्रोम ग्रिल। नीचे आ जाएं तो ये जी नीचे इसका बम्पर, यहाँ पे फोग लैंप इंस्टॉल नहीं है क्योंकि 1.3 प्रोस्मेटिक है, तो इसमें जो है वो फोग लाइट्स नहीं आती। और ये जी इसकी फ्रंट की शेप, बोनेट इसकी फ्रंट की शेप। टायर पे आ जाएं तो 15 के अलॉय व्हील हैं और यूरो के टायर हैं, क्योंकि अलॉय जो है ये है अलॉय व्हील नहीं है रिम में, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील नहीं आते। साइड मिरर विद टर्न सिग्नल्स, ये इसकी साइड की शेप आप देख रहे हैं। होंडा सिटी IVTEC टेल लाइट्स। और अगर मैं इसको बैक की शेप दिखाऊं, तो इसमें जो है 18 और 19 में इतनी कोई ख़ास चेंज नहीं आई, सेम टू सेम ही है। तो ये जी इसकी की है जी विद लॉक और अनलॉक। जी हम इसको ओपन करते हैं। ये इसका जी इंटीरियर। सीट एडजस्टमेंट पे आ जाएं, देन दिस इज सीट एडजस्टमेंट। मैनुअल है, ओल्ड स्कूल है, जिस तरह तमाम पाकिस्तान में तमाम गाड़ियों में आ रही है। और यहाँ से ये आगे से सीट को आगे पीछे करने के लिए। और ये चीज का इंटीरियर। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स हैं, अगर ये मैं आपको दिखा दूँ, ये फैब्रिक सीट्स हैं। तो अब अंदर चलते हैं। और गाइस, तो स्टीयरिंग व्हील 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और जिसमें SRS एयरबैग नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है, ना कि ड्राइवर सीट के लिए ना पैसेंजर सीट के लिए, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही बुरी चीज़ है। होंडा सिटी में उनको ये देना चाहिए था, क्योंकि प्रोस्मेटिक है, प्रोस्मेटिक में तो ज़रूर देना चाहिए, चले अगर मैनुअल में नहीं भी देते। तो अब इसके अगर हम मीटर पर आ जाएँ, तो RPM गेज है जी इसका, स्पीडोमीटर है, और बाकी ये गेज आ गई जी, जो ये बताती हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, और यहाँ पे ये फ्यूल गेज और तमाम इसका। यहाँ पे छोटा सा अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले मीटर भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि आपको डिजिटल जो है दिखाता है। और अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाएं, तो वही जो ऑडियो सिस्टम दिया गया है इसमें, कोई LCD कुछ नहीं दिया गया, सिंपल ऑडियो ऑप्शन है ऑग्स और USB ऑप्शंस के साथ। नीचे आ जाएं AC वाली कंट्रोल पे, तो वही ओल्ड स्कूल जो है इसके हैं 4 स्पीड्स, और इसके बाद ये जो मोहड हैं इसके रियर एंड AC सेम। यहाँ पे नीचे देखा जाए तो ये इन्होंने पोर्ट दिया गया है सिगरेट लाइट के लिए, जहाँ आप इसको आप निकाल के एज आ चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंपार्टमेंट कप होल्डर्स, यहाँ पे आगे जी ऑटोमेटिक स्पीड गियर्स, और ये जी हैंड ब्रेक, हैंड रेस्ट विद कंपार्टमेंट, इधर ग्लव बॉक्स आ गया एक,
और डैशबोर्ड की आप शेप देख रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ हुआ है सेम वही मटेरियल है जो 18 में यूज़ हुआ था, कोई चेंजिंग इतनी ख़ास नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे भी उन्होंने ये फैब्रिक्स और ये जो बोर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अगर ड्राइवर ड्रोबल साइड पे आ जाएँ तो जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो है और रिट्रेक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट। यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है एसी वेंट्स और यहाँ पे भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, मज़ीद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। ऊपर आ जाएँ तो नथिंग, यहाँ पे इन्होंने ये मिरर दिया हुआ है। स्पीकर्स की बात कर ली जाए तो प्रोस्मेटिक है, इसमें दो स्पीकर्स, एक मतलब फ्रंट पे दो हैं और बैक पे दो स्पीकर हैं। बैक सीट से मैं आपको मज़ीद बैक सीट पे जाकर मैं बैक सीट्स की आपको स्पेस दिखाता हूँ। और गाइस तो ये जिसकी सीट एडजस्टमेंट, तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं कि लेग स्पेस की काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि सीट जो अपनी जगह पर है। और जो हेड स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हेड स्पेस के लिए भी काफ़ी मुनासिब जगह है, ये आप देख रहे हैं हेड स्पेस के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है। तो यहाँ पे ऊपर इन्होंने ये एक कंपार्टमेंट लाइट दी हुई है, कैबन लाइट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे ये जी इसका हैंड रेस्ट, कप होल्डर्स और स्पीकर्स बैक के। यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है, वही हार्डबोर्ड मटेरियल यूज़ हुआ है और मज़ीद यहाँ पे कुछ नहीं। ये छोटे कंपार्टमेंट एक पीछे के लिए यहाँ पे दिया गया है, कप होल्डर आप समझ लें किस्म का। और बैक पे यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है। मज़ीद अब मैं आपको इसकी बूट स्पेस दिखाता हूँ, बूट स्पेस या जिसे आप डिगी कहते हैं, तो लेस को बूट स्पेस। और गाइस तो ये चीज बूट स्पेस इसकी काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, इसकी बहुत खुली बूट स्पेस है। और अगर इधर नीचे आ जाएँ तो ये इसकी जी स्पेयर टायर टूल किट्स, ये आप स्पेस देख रहे हैं, मोर देन इनफ स्पेस है। और स्पेस के लिहाज से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब बूट स्पेस के लिहाज से और वैसे भी स्पेस के लिहाज से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो अब जो है वो गाड़ी जाके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस ये की गाड़ी जो है वो ऑन हुई है। तो ये जी इसका पर आप देख रहे हैं कितने किलोमीटर चली है, 326 किलोमीटर चली है ट्रिप, एवरेज 14.8 किलोमीटर पर लीटर। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक सो बढ़ाती भी है 15, अभी नहीं है तो 15-16 तक ये जाती है। रेंज मजीद यही कुछ है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम वही सेम, ऑडियो है जिसमें आप ये देख रहे हैं, इतना बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट होगी। जी आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो अब जो है मैं आपको इसका एसी की थ्रो दिखा देता हूँ, ये जी एसी की थ्रो इसकी, एसी की थ्रो बहुत अच्छी है और जिसने पिकअप किया एसी का वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मज़ीद जो है मैं आप इसकी बोनेट दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। होंडा सिटी प्रोस्मेटिक 2019 मॉडल का उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
सो कीप कमेंटिंग और कीप लाइकिंग, बताते रहें कि आप लोगों को मज़ीद और कौन कौन सी गाड़ियों का रिव्यू चाहिए। अप्लाइड फॉर जो भी गाड़ी आती है उसकी तो कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन आप लोगों को उसका रिव्यू करके दिखाऊँ। तो बस अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सो मिस मी, आई एम गोना मिस यू मच मच मोर, लव यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।